Hi friends, to तो आज हम इस पर्टिकुलर लेक्चर पे देखेंगे नीति आयोग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो कुछ दिन पहले रिलीज हुआ है एंड दिस इज कॉल्ड डिजिटल बैंकिंग रिपोर्ट राइट सो लेट्स क्विकली बिगिन शुरू करने से पहले मैं आपको लेक्चर का आउटलाइन दिखा दू हम सबसे पहले बैकग्राउंड को देखेंगे राइट right? उसके बाद क्रेडिट गैप देन गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट उसके बाद हम कंप्लीटली आ जाएंगे रिपोर्ट में डिजिटल बैंक के बारे में क्या बोला गया है इंडेक्स के बारे में क्या बोला है और नीति आयोग ने क्या टेम्पलेट गवर्नमेंट को आई I मीन mean, क्या एम्पलेट रिकमेंड किया है इस रिपोर्ट के थ्रू करेक्ट तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले हम आते हैं बैकग्राउंड पे सो so, बैकग्राउंड पे अगर हम आए हाँ तो हमको ये समझ में आता है कि 2014 में नचिकेत मोड़ जो कमेटी है उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और उन्होंने कहा था 2014 में प्रोमोटिंग फिनेंशियल इंक्लूजन इन मिशन मोड राइट फिनेंशियल इंक्लूजन को मिशन मोड में प्रोमोट करना है और एक दूसरा फीचर यह है आ, इनके आ, रिपोर्ट में कि डिफरेंशिएटेड बैंकिंग पॉलिसी अपनाना चाहिए किसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अब इसको बहुत ज्यादा इनडेप में हम आगे समझेंगे करेक्ट की डिफरेंशिएटेड बैंकिंग पॉलिसी क्या हो सकता है देन अब इनके रिकमेंडेशन को मानते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2014 में किसकी कैलगलाइन इश्यू कर दी पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक ओके पेमेंट बैंक और स्मॉल

लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड उसके बाद देखते हैं कि 2014 में और क्या क्या हुआ 2014 में हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर इन्होंने ये प्राइम मिनिस्टर बने इनके फर्स्ट टर्म का राइट टू थाउजेंड में देन हम ये देखते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ही डिजिटल इंडिया रेवोल्यूशन कैटेलाइज अंडर पी प्रधानमंत्री जनधन योजना जो कि 2014 में लॉन्च हुआ और 420 मिलियन बैंक अकाउंट हैव बीन ओपन टिल डेट करेक्ट सो एक बहुत मेजर शिफ्ट था नचिकेत मोर कमिटी क्या बोला था उन्होंने बोला था कि प्रोमोटिंग एफ आई फाइनेंशियल इंक्लूजन इन मिशन मोड आरबीआई को बोला था बट नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया प्रधानमंत्री जनधन योजना इसके अंडर में उन्होंने बहुत सारे बैंक अकाउंट खोला गया

UPI को अगर लॉन्च करना था यू आज इतना सक्सेसफुल इसीलिए है क्योंकि सब लोगों के पास ऑलमोस्ट सब लोगों के पास बैंक अकाउंट है राइट right? क्योंकि ये बैंक अकाउंट से ही लिंक्ड ट्रांजैक्शन है एंड जिसके बदौलत ये जितने सारे आप यू you नो know, कुछ एग्जांपल्स मैंने लिया है ऐप्स का ये आप देख पा रहे हो जैसे फ़ोन पे पेटीएम गूगल पे ये सारे सारे प्लेयर्स आए और अच्छा अच्छा काम किसके किसके तरफ किए टूवर्ड्स फिनेंशियल इंक्लूजन राइट मतलब आर बी आई एंड गवर्नमेंट ऑन सिंक पे आ गया कि फिनेंशियल इंक्लूजन को प्रोमोट करना है ऑन ए मिशन मोड एज पर द रिकमेंडेशन बाई दी नचिकेत मोड़ कमिटी अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम आगे समझते हैं कि इसके आगे क्या हुआ ऑब्वियसली बात है इसके आगे क्या हुआ रेगुलेटरी इनोवेशन हुआ बिकॉज फोन पे गूगल पे जैसे जब प्लेयर्स घुसने लगे पेमेंट साइट आई मीन पेमेंट एज ए पेमेंट प्रोवाइडर ठीक है हम फोन पे यूज करके पेमेंट करते हैं राइट एंड वी बिलीव इट्स सिक्योर अब ये बिलीव क्यों है ये बिलीफ इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसको रेगुलेट कर रहा है एनपीसीआई का सिस्टम है आर रेगुलेटर है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का तो ये सारा काम हुआ है किस पे रेगुलेटरी इनोवेशन के वजह से तो रेगुलेटरी इनोवेशन जो है वो क्या किया एज ए कैटलिस्ट काम किया किसके तरफ टुवर्ड्स पेमेंट सेक्टर रिफॉर्म्स राइट सो दिस रेगुलेटरी रिफॉर्म्स ऑल 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 दिंग्स राइट पी एम जे डी आई यू पी आई यू नो सेटलमेंट ऑफ पी बी पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक एवरी वन आई मीन सब कुछ आप मिला के आप बोल सकते हो दिस वर्स वर्क एज अ कैटलिस्ट टूवर्ड्स पेमेंट सेक्टर रिफॉर्म करेक्ट अब हम आगे बढ़ते हैं अब जब पेमेंट सेक्टर रिफॉर्म्स हुआ तो इससे हुआ क्या है इससे हुआ कि जो यूजर का एक्सपीरियंस हैज ग अप करेक्ट आज के दिन में सोचो आप बिना कैश का घर से निकलोगे तो भी आपका काम बन जाएगा क्योंकि एक छोटा से छोटा दुकान भी यूपीआई एक्सेप्ट करता है राइट right? आपको दस रुपये भी पे करना है तो आप पे कर सकते हो यूपीआई के थ्रू तो ये सारा चीज के वजह से बैंक के ऊपर क्या आया बैंक के ऊपर सिर्फ यू नो ये दो चीज नहीं रह गया मतलब पहले अगर आप सिर्फ बैंक को सोचोगे तो वो ये दो काम भर भर के करते थे करेक्ट एक जनरल एक टर्म्स में सोचो क्रेडिट डिलीवरी और डिमांड डिपॉजिट हम हम बैंक में जाते ही क्यों थे पैसा रखना है और लोन लेना है ऐसे ऐसे लेमैन कॉमन मैन के लिए तो बैंक यही दो कारणों से था बट आज के दिन में रिफॉर्म्स के वजह से जो एक्सपीरियंस है बैंक का बैंक से एक यूजर का वो बहुत बढ़ गया है करेक्ट यही तक यही चीज आपको लग रहा है अभी तक का राइट right? बट इसके आगे भी बहुत कुछ है जो हम नेक्स्ट वाले स्लाइड में समझेंगे दैट इज करंट क्रेडिट गैप अभी करंट क्रेडिट गैप से हम क्या समझते हैं तो देखो ये कुछ डेटा है द लेटेस्ट एमएसएमई सेंसस जो कि टू थाउजेंड फिफ्टीन सिक्सटीन में हुआ करेक्ट फिगर्स इंडिकेट दैट इंडिया हैग सिक्सटी थ्री पॉइंट एट एट मिलियन अन इनकॉर्पोरेटेड एमएसएमई विच अबाउट नाइनटी नाइन परसेंट 63.5 मिलियन आर कैटेगराइज इन दी माइक्रो बकेट तो अभी आप इस इस लाइन के गहराई को समझो गहराई कुछ ऐसा है कि 63.88 मिलियन या 99 परसेंट जो माइक्रो कैटेगरी में है है ना इतने ह्यूज क्वांटिटी में एमएसएमई ये है अन इनकॉर्पोरेटेड मतलब इनके पास है ना रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट्स की बहुत सारी कमी है तो देखो ऐसा नहीं है कि एमएसएमई नहीं है अच्छा काम नहीं कर रहे ये एमएसएमई है ये अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन ये माइक्रो एमएसएमई मतलब बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं बहुत छोटे लेवल पे ये कोई बड़ी कंपनी नहीं है इनका रेवेन्यू बहुत ज्यादा नहीं है राइट ये इवेंट टीयर वन सिटीज पे भी नहीं है ये रूरल इंडिया से आते हैं मोस्टली रूरल इंडिया या टीयर थ्री सिटी करेक्ट और बहुत छोटे लेवल पर इनका काम होता है तो रिपोर्ट मतलब सेंसस ऐसा बोलता है कि नाइन्टी जो है वो माइक्रो कैटेगरी में है और समवेयर अराउंड सिक्सटी थ्री पॉइंट एट एट मिलियन इनकॉर्पोरेटेड है ही नहीं मतलब स्ट्रेट एंड सिंपल हमको यह समझ में आता है कि इनके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी है राइट right? दूसरा चीज एज पर एमएसएमईल रिपोर्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी एम एस एम ई हैज बीन क्रिएटेड क्रिएटिंग वन मिलियन जॉब्स मतलब देखो एमएसएमई मैंने बहुत, बहुत ज्यादा ये देखो एमएसएमई जीवीए इन दी नेशनल जी डी पी इस थर्टी परसेंट मतलब बोल सकते हो समवेर अराउंड वन थर्ड वन थर्ड पूरा नहीं है बट वन थर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन जी वी एम ए किसका है एम एस एम ई का है वही एम एस एम ई एक सौ दस मिलियन जॉब क्रिएट कर रहा है अब वही एम एस एम ई सोचो इन अन इनकॉरपोरेटेड है इनके पास मतलब ये लोग आ, इनके पास कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स की तो कमी है जिस वजह से या किसी दूसरे वजह से नहीं लैक ऑफ नॉलेज भी है जिस वजह से ये लोग इनकॉरपोरेटेड नहीं है अब इसमें कुछ चैलेंज है चैलेंजन क्या है bank and पर supply बाई 10.9 ट्रिलियन तो देखो ये एक अजीबो गरीब डेटा आपके सामने दिख रहा है कि थर्टी सेवन ट्रिलियन इनका डिमांड है किस चीज का क्रेडिट का मतलब ये थर्टी सेवन ट्रिलियन उधार लेने के लिए डिमांडेड है करेक्ट वेर एज बैंक और एनवीएफसी से इनको सिर्फ 10.9 ट्रिलियन मिलता है तो ये बाकी का जो समवेयर अराउंड 27 ट्रिलियन या 26.3 ट्रिलियन ये कहाँ से आता है देखो बैंक और एन से पी के वजह से भी आता है कुछ लोन तो वो भी तुम्हारा 10.9 ट्रिलियन में इंक्लूड है बट बाकी का ये 26-27 मिलियन ट्रिलियन आता कहां से है तो ये देखो एक चीज समझो अभी ये दोनों स्टोरी को कनेक्ट करो इतने सारे लोग अन इनकॉर्पोरेटेड हैं मतलब अन इनकॉरपोरेटेड मतलब सिंपल सा बात है समझो कि तुम्हारे पास आज के दिन में अगर आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं है तुम बैंक में चले गए लोन लेने तो तुमको लोन देगा ही नहीं सबसे पहले ही तुमको मांग लेगा आधार कार्ड पैन कार्ड उसके बाद कुछ और डॉक्यूमेंट्स की बात करेगा तो वैसा ही है इनके पास कुछ प्राइमरी इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं ही नहीं जिस वजह से इनको फॉर्मल चैनल्स से लोन मिलना संभव मतलब मिलता ही नहीं है या ये लोग उस पोटेंशियल को टैप ही नहीं करना जानते करेक्ट तो ये कहाँ जाते हैं सोचो कहीं तो जाते होंगे ना जहाँ से इनको 26 27 मिलियन ट्रिलियन uh, मिला होगा सबसे पहला जो है एम एस एम ई रिलाय ऑन इनफॉर्मल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट करेक्ट ये जो छोटा uh, छोटा ब्याज देखे दो परसेंट एक परसेंट तीन परसेंट ब्याज दे जो मंथली लोन देते हैं ये उनके पास जाते हैं उनसे लोन लेते हैं अब इनके पास जाते क्यों हैं ये क्योंकि ये इन अन इनकॉर्पोरेटेड है इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि ये बैंक में जाए और दूसरा ये भी है कि ये अगर बैंक में मतलब इनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है और बैंक में अगर जाए तो वो बैंक में जितना सारा मतलब लोन लेने के लिए जो प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है ना ये उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहते राइट सो रेगुलेटेड एंटिटीज एज फ्यूडिशरी ऑफ पब्लिक ट्रफ ट्रस्ट सो हैव सम रिक्वायरमेंट क्योंकि ये जो बैंक एंड एन हैं ये तो रेगुलेटरी बॉडी आई मीन ये लोग रेगुलेटेड एंटिटीज हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको रेगुलेट करता है और इन पे इनके ऊपर एक पब्लिक ट्रस्ट है तो इनका कुछ रिक्वायरमेंट है इनको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए लोन देने के लिए भले ही वो जान रहे हैं कि हाँ ये MSM है ये पैसा वापस कर देगा ये छोटे लेवल पे काम करता है इसको छोटे लेवल का ही लोन चाहिए है ना ये कोई करोड़ों में लोन नहीं उठाते पचास हजार एक लाख का लोन उठाते लेकिन वही चीज इनको बैंक से नहीं मिलता है एंड बैंक भी वहाँ पे किस लिए नहीं दे पाता है इस वजह से क्योंकि ये रेगुलेटेड एंटिटी है उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो फुलफिल नहीं होगी तो ये आगे काम नहीं कर पाएंगे करेक्ट रीजन नंबर थ्री एम एस एम ई कैन टेक फ्रॉम एन वी एफ सी विच आर रेगुलेटेड मॉडरेटली रिलेटेड टू बैंक बट लैक ऑफ डिपोजिट जिसे प्रॉब्लम फॉर देम तो एमएसएमई जो है वो एन वी एफ सी से पैसा ले सकता है क्योंकि एन वी एफ सी में उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है बैंक की तरह लेकिन एन वी एफ सी के साथ भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि देखो मोस्टली इंडिया में जो एन वी एफ सी है ना वो लैक ऑफि मतलब नॉन डिपॉजिट टेकिंग एन वी एफ सी है एंड अगर नॉन डिपोजिट टेकिंग एनवीएफसी से है तो उनको पैसा मिलेगा कहाँ से मतलब वो कहीं ना कहीं से उधार लाएगा पैसा तब जाके वो आगे किसी को लोन में देगा पैसा तो उनका जो कॉस्ट ऑफ फंड या कॉस्ट ऑफ बॉगोइंग है ना वो है सेवन पॉइंट फाइव परसेंट जबकि उसके कंपेरेटिव में बैंक है, बैंक का तुम्हारा थ्री पॉइंट एट परसेंट तो मतलब यहां पर तुम समझो अगर सौ रुपए एन को मार्केट से उठाना है मतलब कहीं से भी उठाना है तो उसका एवरेज है साढ़े वहीं पे अगर एक बैंक को उठाना है तो उसके है तीन रुपये अस्सी पैसा मतलब तुम खुद ही सोचो कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो हुआ ही नहीं एन के लिए एन अगर अच्छा अच्छा काम करना भी चाहे तो वो नहीं कर पा रहा है इस वजह से अब वो साढ़े सात परसेंट पर लोन लाके आगे वाले को कितने में ही दे देगा मतलब उसका प्रॉफिट जिसको हम स्प्रेड बोलते हैं वो कितना ही हो पाएगा बट बैंक साढ़े तीन तीन रुपये अस्सी पैसा में ला वो जब किसी को लोन देगा तो ऑब्वियसली ये कम्पिटिटिव है ना अगर आप कंपटीशन की बात करो तो वो

प्रॉब्लम्स ऑफ एम एस एम ई तो अब तुम सोच रहे होे तो इसके वजह से तो सारा समस्या का सोल्यूशन मिल ही गया होगा जी नहीं ऐसा नहीं है उसके भी कुछ रीजन है उसके रीजन कुछ ऐसे हैं कि जो एमएसएमई है उसके सप्लायर कौन है मतलब एमएसएमई सप्लाई किसको करता है राइट right? कॉरपोरेट्स को करता है तो अभी देखो जब एमएसएमई कॉरपोरेट्स को सप्लाई कर रहा है तो ट्रेड्स में एक ऐसा सिस्टम है कि जो फाइनेंस करेगा राइट right? बैंक जो फाइनेंस करेगा उसी वक्त जो कॉर्पोरेट है ना उसको कुछ कंडीशंस मानना पड़ेगा कि वो आगे चल के प्रोडक्ट या सर्विस जो भी में में ले रहा है उस पर डिस्प्यूट नहीं कर सकता क्योंकि फाइनेंसर तो पैसा दे दिया है एमएसएमई को तो यहाँ पे जो कॉर्पोरेट्स है ना उनका राइट टू डिस्प्यूट वाला जो सिस्टम मतलब राइट टू डिस्प्यूट अभी देखो तुमने कहीं से भी एक प्रोडक्ट खरीदा या सर्विस लिया पैसा देके करेक्ट वो अगर ढंग से नहीं चल रहा है या सर्विस तुमको ढंग से नहीं मिल रहा तो तुम तो बोलोगे ना मतलब मान के चलो तुम्हारे घर में इंटरनेट कनेक्शन का नहीं आ रहा है तुम तो तुरंत फ़ोन घुमाओगे ना इंटरनेट प्रोवाइडर को कि भैया मेरा कनेक्शन सही करो मंथली पैसा मैं टाइम पर दे रहा हूँ और अगर तुमने कोई सामान खरीदा है ऑनलाइन ऑफलाइन वो अगर खराब हो गया वारंटी पीरियड में तुम लेके जाते हो ना उसको सही कराने क्योंकि वो तुम्हारा राइट टू डिस्प्यूट है तो ये राइट टू डिस्प्यूट ट्रैक्स में वो कॉर्पोरेट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था क्योंकि उनको तभी उस प्रोडक्ट सर्विस को एक्सेप्ट कर लेना था एज इट इज अगर आपको फाइनेंस करना है तो क्योंकि आगे वाला तो बैंक तो पैसा दे दे रहा था तो ये एक प्रॉब्लम हुआ है राइट तो ये प्रॉब्लम हाईलाइट एक दूसरे कमेटी भी किया है वो है यू के सिन्हा यूके सिन्हा कमेटी में इस प्रॉब्लम का जिक्र किया गया है और उन्होंने बोला है कि इस चीज को और बेहतर तरीके से किया जा सकता था बट कोई रिकमेंडेशन नहीं है अब रीजन टू देखते हैं रीजन टू ऐसा है कि डाइवर्स सप्लाई ऑफ कॉर्पोरेट्स अभी जो एमएसएमई है ना ये छोटे लेवल पे काम करते हैं ये छोटा छोटा प्रोडक्ट बेचते हैं तो कॉर्पोरेट्स के लिए सिर्फ एक ही एमएसएमई में डिपेंड करना इज नॉट यू नो गुड थिंग सो कॉर्पोरेट्स के जो सप्लाई uh, चेन है ना वो बहुत बड़ा है मतलब समझो कि वेस्टर्न इंडिया पे वो है ना हजारों एक हजार एमएसएमई से ले रहा है तो ईस्टर्न इंडिया में वो कोई दूसरे एमएसएमई से ले रहा है सेम प्रोडक्ट राइट इतना डाइवर्स होने से क्या उनको वो लेवरेज नहीं मिल पा रहा था मतलब उनको छोटे प्लेयर के साथ काम करके वो मजा नहीं आ रहा था सो ट्रेड्स में ये प्रॉब्लम देखा गया है दूसरा चीज आता है अदर लीन इन वॉयस डिस्काउंटिंग प्रोग्राम इन मार्केट वैसा ही ट्रेड्स जैसा और भी बहुत कुछ आ गया है जो कॉर्पोरेट्स हैं अब क्योंकि उन उन लोग बहुत सारे सप्लायर से सामान लेते हैं उन्होंने अपने ही घर पे मतलब उन्होंने इन हाउस एक सिस्टम शुरू कर दिया कि ठीक है भैया तुम मेरे को उदाहरण में दे के जाओ मतलब तुम मुझे सामान दो मैं तुमको तुरंत फाइनेंस कर देता हूं राइट तो फाइनेंस वाला जो फैसिलिटी है डिस्काउंटिंग सिस्टम वाला वो कॉरपोरेट ने इन हाउस ही बिल्ड कर लिया दूसरा है ये है कि बैंक है ना बैंक भी इसके पोटेंशियल को देखते हुए बैंक भी इस बिजनेस में जम कर गए लाइक एस तो ट्रेड से अच्छा काम नहीं हो पाया मतलब जिस तरीके का काम होना था उस तरीके का काम नहीं हो पाया आगे देखते हैं कि पैंडेमिक में क्या हुआ ना ई e तो बहुत बढ़िया काम था लेकिन ई e में भी एक प्रॉब्लम नीति आयोग के इस रिपोर्ट में हाईलाइट किए कि जो लोन उनको मिलना था एम को वो डिलेड मिला है मतलब कुछ एक वजह से ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज सिक्सटी डेज का डिले हुआ है तो देखो ये लोग इतने छोटे लेवल पे काम करते हैं इनको मतलब अगर इनको एक माल का पेमेंट नहीं मिला तो ये लोग दूसरे माल का प्रोडक्शन करना इनके लिए बहुत टफ हो जाएगा मतलब दूसरे लॉट का प्रोडक्शन करना तो इनको अगर साठ दिन के लिए मतलब डेज तक वेट करना पड़ा पैसे के लिए तो कहीं ना कहीं वहां पर इनका जो प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन है ना वो उसका इक्यूबिलियम बिगड़ गया है तो दैट इज वेयर दे लॉस बिजनेस ये इस रिपोर्ट में हाईलाइट हुआ है अब तुम सोचोगे तो मैंने बहुत सारा परेशानी बोल दिया तो सोल्यूशन कब बताऊंगा तो अभी देखो ये स्क्रीनशॉट मैंने उठाया है रिपोर्ट से करेक्ट इस पर यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट लिखा हुआ है एन एग्जॉस्टिव रिव्यू ऑफ रीजन अंडरलाइंग गैप ऑफ इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस रिपोर्ट कितनी बड़ी लाइन है तो देखो नीति आयोग जैसे इंस्टीट्यूशन ऐसा लिख रहा है यहाँ पे भी एक बात है समझने के लिए कि ये जो रिपोर्ट है ना ये नीति आयोग का डायरेक्ट फाइंडिंग्स नहीं है नीति आयोग ने बहुत सारे अलग अलग जो प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर से इंटरनेशनल यू नो फॉरेन न्यूज़पेपर्स ये फॉरेन मैगजीन्स इंडियन मैगजीन्स तो ये सारे ने जो मतलब सब लोगों ने जो रिपोर्ट आ, पब्लिश किया है अलग अलग टाइम पे उन रिपोर्ट को कंपाइल करके इस रिपोर्ट को नीति आयोग ने बनाया करेक्ट तो नीति आयोग के लिए कुछ चीजों को जज करना एन एग्जॉस्टिव रिव्यू ऑफ अंडरलाइंग अंडरलाइंग द फाइनेंसिंग गैप ऑफ द एम ई सेक्टर इज बियॉन्ड द स्कोप मतलब नीति आयोग को भी इस रिपोर्ट में जो इतना सारा गैप हो गया ना एमएसएमई का मतलब आपने अभी तक दो लास्ट दो स्लाइड में तो सिर्फ परेशानी देखी एमएसएमई का तो वो भी नीति आयोग के लिए बियॉन्ड द स्कोप हो गया करेक्ट अब क्योंकि हम इस, इस रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं तो इस रिपोर्ट के मुताबिक ही आगे पढ़ते हैं तो देखो मान के चलो ये है इतने ही लोग हमारे देश के जिनता है करेक्ट इतने ही लोग हैं हमारे देश में और कोई नहीं है अभी रिपोर्ट ऐसा बोलता है कि 220 मिलियन क्रेडिट एलिजिबल रिटेल कस्टमर तो कितना है भैया रिटेल कस्टमर 220 मिलियन लेकिन जो सिबिल है करेक्ट सिबिल क्रेडिट एजेंसी हम जानते हैं जो सिबिल है उसके हिसाब से 150 मिलियन कस्टमर्स आर इनएक्टिव बट विल हैव क्रेडिट नीड्स दैट नीड्स टू बी सर्विस तो बोल रहा है कि जो 150 मिलियन कस्टमर्स है आउट ऑफ 220 मिलियन ये लोग इनएक्टिव हैं मतलब ये लोग लोन लेते ही नहीं हैं जाना ही नहीं चाहते लोन के तरफ वजह क्या है ये ये दिस इज ए सेपरेट पॉइंट ऑफ डिस्कशन बट आप डिफरेंस को समझो मतलब ओनली सेवेंटी मिलियन इज द एक्टिव कस्टमर मतलब थर्टी थ्री परसेंट ऑफ द पीपल आर इनएक्टिव ठीक है अप्रोक्सीमेटली थर्टी थ्री परसेंट आर इनएक्टिव करेक्ट तो अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने इस इस स्टेप में क्या किया है तो देखो गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल इक्ट ट्वेंटी थ्री के बजट में तो ये तो शायद आपने बजट में पड़ा ही होगा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने बोला था कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट एस्टेबलाइज करेंगे कमर्शियल बैंक भी इन टू सेलिब्रेट आजादी का अमृत महोत्सव करेक्ट अभी तुम सोच रहे होगे तो वो जो मैंने पढ़ा था किस पे बजट में डिजिटल बैंकिंग यूनिट ये लेक्चर उससे रिलेटेड है तो मैं बताऊं ऐसा नहीं है क्यों क्योंकि डिजिटल बैंकिंग यूनिट इज डिफरेंट थिंग एंड डिजिटल बैंक इज अ डिफरेंट थिंग सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज ये दो अलग अलग चीज है डिजिटल बैंकिंग यूनिट का मतलब क्या है एक बैंक जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है उसी का एक छोटा सा यू नो छोटा सा एक जगह रेंट पे ले लेगा या खरीद लेगा यूजुअली रेंट पे ही लेते हैं वो अपना एक डिजिटल यूनिट खोल देंगे छोटे से जगह पे जहाँ पे नहीं है करेक्ट तो वो है डिजिटल बैंकिंग यूनिट बट डिजिटल बैंक का डेफिनेशन क्या है ये है डिजिटल बैंक और डी बीस रिफर्स इन पेपर मीन्स बैंक आर डिफाइंड इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नाइनटीन In other words, these entities will issue deposit, make loan, offer full suite of services that Banking Regulation Act empowers them to. As the name suggests, TV will principally rely on the internet and other proximate channels to offer their service and not physical branches. So this is the definition or this is the difference between digital banking unit or digital bank. ठीक है फिर से मैं बता रहा हूं डू नॉट गेट कंफ्यूज आगे बढ़ते हैं हम अब तुम सोच रहे होगे प्लीज टेल मी व्हाट इज डिजिटल बैंक देन है ना तो चलो हम समझ ही लेते हैं डिजिटल बैंक क्या है तो डिजिटल बैंक क्या है देखो डिजिटल बैंक को ना हम तीन तरीके से उसको क्लासिफाई कर सकते हैं अभी तक हमने जो देखा एक होता है फ्रंट एंड ओनली एंड नियो बैंक ओके अब ये फ्रंट एंड ओनली नियो बैंक क्या है अब मान के चलो तुमको मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं एक केक है ठीक है ये केक के ऊपर में क्या रहता है केक के ऊपर में रहता है आइसिंग तो मतलब मान के चलो तुमको आइसिंग आता है करना करेक्ट तो तुम क्या करोगे ना मार्केट में कहीं से केक तुम खरीद के लाओगे उसके ऊपर तुम अच्छा अच्छा आइसिंग करके मार्केट में बेचोगे तो लोग को क्या लगेगा लोग को तुम ये थोड़ी बोलोगे मैं केक बेच रहा हूं आइसिंग बेच रहा हूं लोगों लोगों को तुम बोलोगे ना मैं केक बेच रहा हूं बट आइडियली क्या है तुम इस केक को खरीद के ला रहे हो तो वही चीज हो गया फ्रंट एंड ओनली न्यू बैंक मतलब ये वो लोग हैं जो लोग टेक्नोलॉजी सेवी मतलब ये लोग टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए एक बढ़िया सर्विस सूट बना लेते हैं फॉर एग्जाम्पल नियो एक्स नाम का बैंक हो गया जो तुमको गूगल प्ले स्टोर में एप्पल आई स्टोर में उसका ऐप मिल जाएगा अभी देखो नियो एक्स बोल के कोई बैंक सच में नहीं है वो सिर्फ इक्ुटैस बैंक सिस्टम के ऊपर में लगाया गया एक ऐप है एक सर्विस है दैट्स इट उस टाइप के बैंक को क्या बोलेंगे फ्रंट एंड ओनली एंड न्यू बैंक तो आई थिंक एक जुपिटर नाम का भी ऐप है और जो आई गेस करूस आई आई डोंट रिमेंबर एक्सैक्टली बट येस न्यो बैंक तो इक्वटेस से ही रिलेशन रखता है तो न्यो बैंक का तुम एग्जाम्पल देख सकते हो अगर चाहे तुम गूगल प्ले स्टोर पर जाओ जाके सर्च करो न्यो एक्स तुमको मिल जाएगा करेक्ट तो वो लोग हो जाएंगे तुम्हारा फ्रंट एंड ओनली न्यू बैंक दूसरा होता है तुम्हारा फुल स्टॉक फुल स्टैक लाइसेंस डिजिटल बैंक मतलब क्या होता है ये लोग लाइसेंस डिजिटल बैंक है राइट लाइक एस बोलता है हाँ मैं तो भाई एस बी सी हूँ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हूँ पी बोलता है मैं भी हूँ तो वैसे ही जो फुल स्टैक बैंक है ना इनके पास भी डिजिटल बैंक का लाइसेंस है जैसे पेटीएम क्या बोलता है अरे मैं तो पेमेंट बैंक हूँ

एक फुल टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए तुमको तो बहुत सारा सर्विस दे रहा है जो ट्रेडिशनल एस नहीं दे पा रहा था करेक्ट तो अब सवाल ये आता है व्हाट अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी एंड चैलेंज तो डिजिटल बैंक तो हम देख लिए बट यहां पे तो हम कितने सारे चैलेंज को देखे हैं तो डिजिटल बैंक का क्या है तो देखो डिजिटल बैंक का सबसे बड़ा चैलेंज है लिमिटेड रेवेन्यू मॉडल अभी लिमिटेड रेवेन्यू मॉडल क्यों अभी सोचो एक फ्रंट एंड बैंक हमने न्यूर्क इक्विटेस का एग्जाम्पल लेते हैं करेक्ट इक्टेस बैंक है करेक्ट और नियो है नियो एक्स उसके ऊपर में टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस दे रहा है तो देखो वो कितना ही टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस दे सकता है मतलब हो सकता है वो टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अच्छा अच्छा काम और भी कर सकता है लेकिन वो तो लिमिटेड ही है क्यों लिमिटेड है क्योंकि वो उतने ही सर्विसेज दे पाएगा जितना इक्ुटैस के पास है उससे ज्यादा तो वो दे नहीं पाएगा क्योंकि वो तो बैंक है ही नहीं उसके पास तो कोई लाइसेंस है ही नहीं वो तो आइसिंग है बेचारा केक के टेस्ट को तुम थोड़ी चेंज कर पाओगे तुमने अगर बाहर से खरीद के लाया है तुम अपने आइसिंग को और बढ़िया बना सकते हो बट केक के टेस्ट को तो चेंज नहीं कर सकते तो वही हो गया ना इनका लिमिटेड रेवेन्यू मॉडल और दूसरा चीज ये हो गया टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने के लिए ठीक है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए ना ह्यूज मनी इज रिक्वायर्ड नाउ सिंस दे डू नॉट हैव मच रेवेन्यू मॉडल दे दे वी एबल टू यू नो ग्रो मोर बिकॉज न्यू एक्स यू नो समवेयर अराउंड वो सौ रुपए या दो सौ रुपये चार्ज करते हैं सालाना डेबिट कार्ड के लिए राइट right? और बैंक कुछ चार्ज नहीं करता तो वो वही उनका एक कस्टमर के पीछे का रेवेन्यू है तो इससे वो कितना ही ग्रो कर लेंगे तो ये एक चैलेंज यहाँ पे है दूसरा है पोटेंशियल ऑब्सोलेंस ऑफ दी पार्टनर बैंक सी बी एस तो ये मैंने जो एग्जाम्पल दिया है ना वो सर्विसेस उतने ही ऑफर कर पाएगा जितने सर्विसेज आपके इक्विटास के पास है उससे ज्यादा वो ऑफर नहीं कर पाएगा दूसरा हो गया हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड नो एंट्री बैरियर कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो हाई है ना क्यों क्योंकि देखो एक टेक्नोलॉजी को खड़ा करना इज ए वेरी बिग थिंग नो चीप थिंग टू डू सो हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड ऊपर से वो दैट वुड बी रिलेटेड टू फाइनेंस मतलब वहां पे बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन बहुत सारा सिक्योरिटी सिस्टम सब कुछ लगाना पड़ेगा एंड नो एंट्री बैरियर कोई भी जाके वहां एंट्री ले सकता है करेक्ट तो ये सारे चैलेंजेस है प्रॉफिटेबिलिटी एंड चैलेंजेस तुम्हारा डिजिटल बैंकिंग के प्रस्पेक्टिव में अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं नीति आयोग ने डिजिटल बैंक रेगुलेटरी इंडेक्स के बारे में क्या बोला है तो देखो इंडिया में एज ऐस सच ऐसा कोई इंडेक्स है नहीं करेक्ट तो व्हाट नीति आयोग डिड वर्स उन्होंने सिंगापुर यूके हांगकॉन्ग मलेशिया ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया इनके डेटा को स्टडी किया अब इनमें से कुछ कंट्री सिंगापुर एंड मलेशिया लाइक कंट्री इनके पास डिजिटल बैंकिंग का पूरा इकोसिस्टम है करेक्ट लाइसेंसिंग हो गया और भी सर्विसेज सब कुछ का फुल सूट इनके पास वो सिस्टम है तो इनका तो वो वो, वो सारे चीज को नीति आयोग ने स्टडी किया दूसरा यूके जो थोड़ा सा चैलेंजिंग फेस में है है ना और ये सारे कंट्रीज का डेटा को उन्होंने स्टडी करने के बाद ये देखा कि एंट्री बैरियर्स ये एक चैलेंज होगा दूसरा है कंपटीशन तीसरा है बिजनेस रिस्ट्रिक्शन नॉट एगजस्टेड फॉर प्रूडेंस एंड है टेक्नोलॉजिकल न्यूट्रलिटी तो ये सारे चैलेंज आएगा किसमें डिजिटल बैंक के लाइसेंसिंग को देने में नाउ पर्पस ऑफ द इंडेक्स इज टू गिव अस ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर व्हाट डिफॉल्ट सेटिंग इंडियाज डिजिटल बैंक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क शुड एडॉप्ट ठीक है तो ये जो इंडेक्स है इसका पर्पस नीति आयोग ने क्या रखा है कि एक डिफॉल्ट सेटिंग को यू नो अंडरस्टैंड करना एक डिफॉल्ट सेटिंग को समझना कि इंडिया का जो डिजिटल बैंक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा वो इंडिया कैसे अडॉप्ट करेगा वो आरबीआई कैसे अडॉप्ट करेगा तो इसमें हम समझते हैं कि नीति आयोग ने यह बोला टेक्नोलॉजिकली न्यूट्रलिटी कैलिब्रेशन इज अनदर कॉमन थिंग देन देर शुड बी एन एक्सिट प्लान टेक्नोलॉजिकल न्यूट्रेलिटी मतलब Uh, uh, बहुत सारे यू you नो know, uh, मतलब बात वही हो गया कि एक टेक्नोलॉजी को फ्रॉम जीरो टू बिल्ड करना इज ए कॉस्टली अफेयर सो देर शुड बी ए न्यूट्रैलिटी अमोंग द प्लेयर्स देन दे शुड बी ए कैलिब्रेशन बिटवीन ऑल द प्लेयर दे शुड बी कैलिब्रेशन बिटवीन द कंपनी हु इज गेटिंग इन टू दिस स्पेस एंड द रेगुलेटर राइट एंड देर शुड बी एन एक्सिट प्लान एज वेल बिकॉज कंट्री लाइक यू के यू नो एंड ऑस्ट्रेलिया में ये देखा गया है कि Uh, कुछ कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने शुरू तो किया बट दे कुड नॉट एग्जीक्यूट वेल एंड दे वांटेड टू यू नो गेट आउट ऑफ दिस बिजनेस अब उसका रीजन क्या है क्योंकि देखो मतलब कुछ कंट्रीज में ऐसा है कि जो पहले से बैंक है मान के चलो इंडिया में जो शेड्यूल बैंक है अब मैं इंडिया के एग्जाम्पल से तुमको समझाता हूँ मान के चलो इंडिया में डिजिटल बैंकिंग शुरू हो गया करेक्ट शुरू तो हो गया है अभी लाइसेंस के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है तो लाइसेंस के लिए किसने कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एच ने अप्लाई कर दिया क्यों हमको भी एक यूनिट खोलना है डिजिटल बैंक का अब सोचो ये बैंक एक तो इतने बड़े साइज़ में है इनका कस्टमर बेस इतना बड़ा है ये लोग अगर आके डिजिटल बैंकिंग सर्विस देंगे तो एक नया प्लेयर छोटा प्लेयर जो इस स्पेस में आना चाहता है वो तो कम्पीट नहीं कर पाएगा ना दैट्स वाई दे शुड बी एन एक्सिट प्लान टाइम पे एग्जिट कर जाओ ज़्यादा लॉस नहीं होगा राइट right? तो नीति आयोग ऐसा बोला है अब उसके बाद आते हैं नीति आयोग ने एक टेम्पलेट शेयर किया ओके जो कैलिब्रेटेड अप्रोच है और यह तीन स्टेप्स में नीति आयोग ने टेम्पलेट फॉलो किया इश्यू ऑफ रेस्ट्रिक्टेड ओके मैं इसको पढ़ता नहीं हूं ये आप पढ़ो इस पर नीति आयोग ये बोल रहा है कि जो एप्लीकेंट है जो एप्लीकेंट है उसको लाइसेंस सबसे पहले रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में दिया जाए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में वो कुछ लिमिटेड कस्टमर्स के साथ वो चीज़ों को आ, आ, रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन में लाए और रेगुलेटरी साइनबैक्स का थीम तो आप जानते ही हो वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है जहाँ पे रियल टाइम बेसिस पे मॉनिटर किया जाता है हर चीज़ को कौन करता है रेगुलेटर एंड आग बी इन दिस केस सो उसके बाद अगर यहाँ परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है तो ही लाइसेंस इशू करना है नहीं तो नहीं करना है तो नीति आयोग का जो टेम्पलेट है वो कुछ इस प्रकार था तो इससे हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है आई एक्स एम बी में अनफोल्ड योर पोटेंशियल नबार्ड ग्रेडे का जो 2022 का कोर्स है वो ऑलरेडी शुरू है और इंट्रो क्लास 14 अगस्त से शुरू होगा थैंक यू ऑल दी वेरी बेस्ट प्रिपेयर 50 परसेंट फास्टर विद आई